हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज हम लोग BCCL ओवरमैन एग्जाम पेपर 2017 का क्वेश्चन 10 टू 20 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हु विल सेट द परमानेंट और टेम्पररी स्पीड लिमिट्स फॉर एनी एरिया ऑफ माइन और एनी व्हीकल और क्लास ऑफ व्हीकल। ऑप्शन ए माइंस मैनेजर, ऑप्शन बी सीनियर ऑफिशियल, ऑप्शन सी DGMS और ऑप्शन डी माइंस फोरमैन। इनमें से कौन खान के किसी क्षेत्र के लिए या कोई वाहन या वाहन श्रेणी के लिए टेम्पररी या परमानेंट गति सीमा तय करेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए माइंस मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर द ओवरबर्डन रिमूवल विद सॉवल डंपर कॉम्बिनेशन द ऑप्टिमम साइज ऑफ डंपर डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन ए डिस्टेंस ऑफ हॉल, ऑप्शन बी साइज ऑफ सॉवल, ऑप्शन सी साइज ऑफ सॉवल एंड द डिस्टेंस ऑफ हॉल एंड ऑप्शन डी टन इज टू बी हैंडल्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी साइज ऑफ सॉवल एंड द डिस्टेंस ऑफ हॉल। क्वेश्चन नंबर 13, परमिसेबल लिमिट ऑफ रिस्पिरेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट शुड नॉट बी मोर देन। ऑप्शन ए 6 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर, ऑप्शन बी 10 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर, ऑप्शन सी 15 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड ऑप्शन डी 3 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। रिस्पिरेबल डस्ट की मात्रा कितना मिलीग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 3 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, बिफोर डिक्लेयरिंग ऑपरेशन परमिशन हैव टू बी टेकन फ्रॉम। ऑप्शन ए DGMS, ऑप्शन बी स्टेट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, ऑप्शन सी चेयरमैन एंड ऑप्शन डी CIL मीन्स कोल इंडिया लिमिटेड। डिक्लेयरिंग स्टार्ट करने से पहले किससे परमिशन लेना पड़ता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए DGMS और इससे रिलेटेड रेगुलेशन है रेगुलेशन 100। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर वर्किंग ऑफ सीम थिकनेस। ऑप्शन ए लेस देन 7 मीटर, ऑप्शन बी मोर देन 7 मीटर, ऑप्शन सी अप टू 11 मीटर एंड ऑप्शन डी मोर देन 11 मीटर। ब्लास्टिंग गैलरी माइनिंग मेथड से काम करने के लिए कितना सीम का थिकनेस उचित नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए लेस देन 7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट काउजिंग डेथ और सीरियस बॉडिली इंजरी इन कनेक्शन विद माइनिंग ऑपरेशन इन फॉर्म 4A शैल बी सेंट टू रीजनल इंस्पेक्टर विद इन आवर्स। ऑप्शन ए 24 आवर्स, ऑप्शन बी 48 आवर्स, ऑप्शन सी 72 आवर्स एंड ऑप्शन डी 12 आवर्स। किसी व्यक्ति की डेथ होने पर या सीरियस बॉडिली इंजरी होने पर नोटिस ऑफ एक्सीडेंट फॉर्म 4A में रीजनल इंस्पेक्टर को कितने घंटे के अंदर भेजा जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 24 आवर्स और इससे रिलेटेड रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट शुड बी द मिनिमम एंकोरेज स्ट्रेंथ ऑफ रू बोल्ट्स आफ्टर हाफ एन आवर एंड आफ्टर 2 आवर। ऑप्शन ए 2 टन एंड 4 टन, ऑप्शन बी 1 टन एंड 3 टन, ऑप्शन सी 3 टन एंड 5 टन, ऑप्शन डी 5 टन एंड 10 टन। रूफ बोल्टिंग के आधे घंटे और 2 घंटे बाद रूफ बोल्ट का मिनिमम एंकोरेज स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 3 टन एंड 5 टन। ये सीमेंट कैप्सूल का मिनिमम एंकोरेज स्ट्रेंथ दिया गया है। अगर रेजिन कैप्सूल प्रयोग होता है तो उसका एंकोरेज स्ट्रेंथ अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 18, फायर्स इन लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इज क्लासिफाइड एज। ऑप्शन ए क्लास बी फायर, ऑप्शन बी क्लास सी फायर, ऑप्शन सी क्लास डी फायर एंड ऑप्शन डी क्लास ई फायर। बिजली वाले उपकरणों में आग फायर के किस क्लास में आते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी क्लास ई फायर। क्वेश्चन नंबर 19, जियोथर्मिक ग्रेडियंट इन इंडियन कोल फील्ड्स इज अबाउट। ऑप्शन ए 1 सेंटीग्रेड फॉर एवरी 20 मीटर, बी 1 सेंटीग्रेड फॉर एवरी 92 मीटर, ऑप्शन सी 1 सेंटीग्रेड फॉर एवरी 38 मीटर, ऑप्शन डी 1 सेंटीग्रेड फॉर एवरी 72 मीटर। भारतीय कोल फील्ड का जियोथर्मिक ग्रेडियंट लगभग कितना होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1 सेंटीग्रेड फॉर एवरी 38 मीटर। इसका मतलब है कि हर 38 मीटर अंदर जाने पर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 20, According to coal mines regulation 1957, if the width of the gallery is 3.6 meter and the depth from the surface is 75 meter, then what will be the pillar size? Option A 15 meter, option B 18 meter, option C 13.5 meter and option D 16.5 meter.
द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 16.5 मीटर और इससे रिलेटेड रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 99. That's all for today. If you like this video, please smash the like button and share this video. If you have any query or suggestion, then please comment and please subscribe our channel. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.